पार्टी है और इसको मैं पूरे पहले दिन तो रात तक पूरे दर्द को जाना है परिवार में इस तरह से कोहराम मचा हुआ है, परिवार में सभी लोग परेशान है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, परिजन परेशान है इस बात को लेकर। हम आइए हम आपकी बात कराते हैं, हमारे सामने है इंद्रकांत त्रिपाठी जी जो उनके भतीजे हैं, वो एक बार भारत समाचार के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। विष्णु हम आपके पास वापस आएंगे क्योंकि अभी नेटवर्क, विष्णु आप बात करिए जो उनके परिवारिक जन आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं यहाँ पर इंद्रकांत त्रिपाठी के भतीजे, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है उनका उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कुछ आपकी मांग है क्योंकि लगातार देखिए कहा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है और इंसाफ की मांग आप अभी तक कर रहे हैं। इंसाफ की मांग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब से ये घटना स्थल से लेके जाया गया था इंसान जी की बॉडी को जिला अस्पताल महोबा, जिला अस्पताल महोबा में उनको बॉडी को रेफर कर दिया गया था कानपुर के लिए। जब एम्बुलेंस के अंदर इनकी पहले से ही साजिश चल रही है पुलिस की, जब से ये घटना हुई है तो एसपी जी के कहने पे, मणिलाल पाटीदार के कहने पे अंकित सिंह रजावत को एम्बुलेंस में भेजा गया। हाँ। और उसने जबकि उनके नेक में इंजरी थी, नेक में इंजरी थी, डी1 में फ्रैक्चर था उनके, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना था और अंकित सिंह रजावत ने उनकी गर्दन को हिलाया, कंधे को हिलाया, कमर को हिलाया, जिसके कारण वो जो चोट थी वो और ज्यादा डेंजरस हो गई। मैं चोट की गंभीरता इस तरीके से बताता हूँ आपको कि डॉक्टर जयंत वर्मा, जो उनके डॉक्टर थे रीजेंसी हॉस्पिटल में, उससे मैं कॉन्टेक्ट में था और मैं 6 के 6 दिन वहां पे था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि गोली फ्रंट से लगी या बैक से निकली है। साथ ही साथ उसमें जो उनको वेंटिलेटर पे जब रखना पड़ा तो उनकी गर्दन को सीधा रखना था, मतलब 0.5-0.1 mm भी उनकी गर्दन को मोड़ना या बैंड नहीं करना। किस तरीके शरद किस तरीके से जो एसपी है वो आपके चाचा जी को यहाँ पर परेशान करता था, आप लोगों को किस तरीके का खतरा इस वक्त महसूस हो रहा है इसके बारे में जरा बताइए आप। खतरा इसमें मैं उनकी बात पूरी रखना चाहता हूँ पहले जी, कि जिस तरीके से इन्होंने पहले से ही कौन सी पूरी तैयार कर ली थी जी, उसके बाद जब रेजेंसी में जहाँ लेके गए तो रास्ते में अंकित सिंह रजावत ने उनकी बॉडी गर्दन को हिलाया जिससे चोट की गंभीरता ऑफ होगी, अगर ये चीज नहीं हुई होती तो चाचा शायद जिंदा होते आज की डेट में जी। और उसके बाद जैसे ही वो मृत घोषित किए गए, मृत घोषित करने के बाद पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि उन्होंने रात ही रात सब कुछ काम कराने की जल्दी जल्दी कोशिश करी। जब हम पोस्टमार्टम के लिए गए तो वहाँ पोस्टमार्टम में मजिस्ट्रेट साहब के साथ करीब 10 पुलिस वाले अंदर एक कमरे में बंद हो गए और आपस में वार्ता करने लगे और एक पेपर लेके वो चले गए साइन करा के। वो पेपर जो था वो पेपर था मृतक की बॉडी का निरीक्षण होता है जिसमें कहाँ चोट लगी है, कैसे चोट लगी है। वो मैं जब हमने वहाँ पे विवाद किया, बात करी, चिल्लाए, मीडिया से गुहार लगाई कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलना चाहते हैं, ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तब तक वो एक्शन हो चुका था, इनकी 6 दिन जो वो एडमिट रहे तब तक इनकी पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि गोली पीछे से चलाई है, आगे से चली है। जब पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई तब कोई एक्शन नहीं, कोई बुलेट नहीं मिली। अभी कल जब एसआईटी खत्म हुआ उसके एक दिन पहले ही इनको सब कुछ मिल गया कि बुलेट भी मिल गई और कवर भी, गोली भी मिल गई, सब कुछ वहीं में मिल गया गाड़ी के अंदर। पहले जब फॉरेंसिक जांच हुई थी तब उसमें कुछ नहीं मिला था। और पोस्टमार्टम के दिन मजिस्ट्रेट साहब ने बिना देख बॉडी को देखे उसमें इंडिकेट कर दिया कि गोली कहाँ से निकली और कहाँ निकली, जाकि बॉडी देखी नहीं गई थी। इनका कहना है कि पीछे से गोली निकली है, पीछे से लगी है और आगे से निकली है, जबकि डॉक्टर जयंत वर्मा ने साफ साफ शब्दों में ये बताया था इनको और बाल्टी को दी गई जो हम लोग वहाँ पे अटेंडेंट थे, वहाँ से कॉन्टिन्यूस वहाँ पे, तो उनको ये बताया था कि गोली फ्रंट से चली है और बैक से निकली है जी। शरद जी देखिए कि पहले से ही ये संरचना चल रही थी इनकी कि एम्बुलेंस में ही ना बचे आदमी जी। एम्बुलेंस में बचे आदमी, जो आपका दर्द है वो हम समझ सकते हैं, इस वक्त आप पर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं इस वक्त। कल रात को मैं बिल्कुल देखिए आपके ऊपर दुखों का पहाड़ इस वक्त टूटा हुआ है। फिलहाल एक चीज ये हम आपसे समझना चाहेंगे, जब ऐसे दुख की घड़ी में आपको आज पुलिस प्रशासन से है, सरकार से है, तो इस वक्त क्या मांग आप कर रहे हैं क्योंकि एसपी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, आपकी सुनवाई कैसे हो, क्या चाहते हैं आप, कैसे इंसाफ चाहते हैं आप? बिल्कुल हम चाहते हैं मैम, जब हम अंतिम संस्कार करके अग्नि देके वापस आ रहे थे हम गीले वस्त्रों में थे,
वहां से इनके पार्टनर को अवैध तरीके से उठा लिया गया और उसके बाद जो दूसरे पार्टनर जो बाइक छोड़ते हुए थी उनको उठाया जा रहा था एडिशनल एसपी के कहने पर, धीरेन्द्र सिंह नाम है उनका, जो जिस तरीके से प्रक्रिया कर रहे थे और हमारे पास वीडियो भी है उस चीज का कि जिस तरीके से वो बहस कर रहे थे, धमका रहे थे हम लोगों को कि नहीं जाना तो अभी बढ़ेगा वरना तुम समझे हो क्या है, और इस तरीके से उन्होंने बहुत परेशान किए। जब हमने कहा कि अगर आपको वो सहायता चाहिए हमसे, हम सब देने के लिए तैयार, पर हमें कुछ समय तो दीजिए, आप हमें हिंदू धर्म के हिसाब से अपने देने के बाद नहाने के बाद जो जाते हैं तो घर जाया जाता है सबसे पहले, ये वहां से हमें उठा के सीधा लेके जा रहे थे उनके पार्टनर्स को, और ये पहले से इनकी कांग्रेस की तैयार है जो उन्होंने फेक थ्योरी दी है अभी कि दो आदमी पहले से थे घर के पार्टनर्स पे उनको फंसाने की कोशिश जो चल रही है, इनकी पहले से तैयारी थी। इन्होंने छह दिन में बैठ के कुछ नहीं किया, किसी को संबंध नहीं दिया, किसी जो चार जिन आदमी के नाम पे FIR है उनको कुछ नहीं, अंकित रजावत के नाम कुछ नहीं किया, आशु भदौड़ी के नाम पे कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा कर क्या रहे हैं कि जैसे अग्नि दे दी गई उसके बाद सीधा पार्टनर्स को उठाना शुरू कर दिया, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कल रात के दिन, कल रात को सुप्तम सोनी के घर में पुलिस आई, उन्होंने मेन दरवाजा, मेन लोहे का बड़ा दरवाजा था उसको तोड़ा, तोड़ के वो अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद के दरवाजा जो था वो भी तोड़ा गया, उसका वीडियो मैंने साझा किया है हमारे रिपोर्टर साहब के साथ। तो ये पहले से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मतलब ये बचाना चाहते हैं मनीलाल पाटीदार को, अंकित सिंह रजावत को, सुरेश सोनी को और ब्रह्मदत्त को, मेन एक्यूज है, मेन एक्यूज बिल्कुल इंद्रकांत जी, हम आपकी आवाज बन रहे हैं, हम आपकी आवाज बन के आपके दर्द को उस सरकार तक भी, उस प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं जहां पर जरूरत है इस आवाज को पहुंचने की। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होंगे जब से घटना हुई होगी, क्योंकि आपके चाचा इकलौते कमाने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे उनकी बहन, आपकी बेटी का भी दर्द हमने देखा उनकी, आप कैसे अपने परिवार को संभाल रहे हैं, क्या इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी पीड़ा असहनीय होगी। मेरी पीड़ा तो मैम इससे निकल आएगी कि मेरे जो चाचा थे वो करीब 200 से 300 फैमिलीज का रोजगार थे, उनके घर चलाते थे, आज की डेट में उनके घर के लाले हैं, आगे कैसे स्ट्रगल होगा, क्या होगा, फैमिली का तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर। अभी ये सब तो हम देख सकते हैं, पर उसके बाद कोई न्याय की मांग तो हो वो हमारे ही सनी संबंधी और हमारे पार्टनर्स को ही बताना चाहते हैं, मतलब पहले से कॉन्फ्रेंस पूरी तैयार करके बैठे हुए हैं पहली जो फोरेंसिक जांच हुई उसमें कुछ नहीं मिला, अब कोई एक्सपर्ट आ गए हैं, उन्होंने कुशन के अंदर वो देख लिया है, बुलेट अंदर घुसी हुई थी, खोखा बाहर मिला हुआ था, पीटर इंग्लैंड का कुछ शर्ट का कवर है ना, जो इनकी गलती सबसे बड़ी है, और शर्ट और जो गाड़ी की फोटो है, जो कुशन जो दिखा रहे हैं ये, उसकी फोटो हमारे पास ऑलरेडी है, इंसिडेंट की फोटो जो है वो, इंसिडेंट की फोटो हमारे पास है, वहाँ कोई छेद नहीं है गाड़ी में, उस कुशन में कोई छेद नहीं है, ये सब पूरी जांच को भटकाया जा रहा है, ये फंसाने की तैयारी करी जा रही है हमारे ही पार्टनर्स को, जिससे कि पहले तो आदमी ले लिया, पहले आदमी ले लिया, उसके बाद बिजनेस भी ठप कराना चाहते हैं कि जिसके ये भूखे मर जाए, उसके बाद कहो ये केस भी करें सर, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस करें, हमारे पार्टनर्स की फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस करें, ये पूरा बर्बाद करना चाहते हैं जी। और ये जो दोषी हैं, दोषियों को बचाना चाह रहे हैं, ICS मणिलाल पाटीदार को संदर्भ भेजा गया, अरे कुछ शादी का इन्विटेशन भेज रहे हैं क्या जी, बुलाइए, कहाँ है, कहाँ है वो, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, फरार हो गए हैं, कहाँ है, घर में है अपने, कहाँ है ऑफिस में, कहाँ है ना, अंकित सिंह रजावत के आज तक अभी तो कोई बात कर रहा है, अंकित तो हम आई साहब से बता चुके हैं, ADG साहब से बता चुके, सबसे बता चुके हैं, पर कोई बात करने को राजी नहीं है। देखिए आप जो ये गुहार लगा रहे मदद की, हम चाहते हैं कि आपकी सुनवाई हो, क्योंकि जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है इसको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। हम आपकी आवाज बनेंगे और हम चाहेंगे जल्द ही वो आरोपी सारी गिरफ्त में हो पुलिस के और उन पर एक्शन कड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।